Hello, my dear student of class 11 science. Now today we will discuss about the concept union. How we have to take that union and another concept is intersection. चलिए discuss करते हैं फटाफट इन दोनों concept को. और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर exercise 1.4 है. एक्सरसाइज 1.4 में ही हमें डिस्कस करना है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब ऑपरेशन को जो कि सेट में फॉलो होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक में हम फॉलो करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो सिमिलर वे में सेट में हमारे पास में जो ऑपरेशन है वो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हमारे पास में कुछ ऑपरेशन है. जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपको दो सेट दिए जाएंगे उन दोनों सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबको आप विदाउट रिपीटेशन एक सेट के अंदर लिख देंगे. मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसके अंदर 4 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट हैं. तो जब आप इन दोनों सेट कर लेंगे यूनियन तो उसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा. जैसे कि आप जानते भी हैं रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन द सेट. क्लियर? सो यूनियन रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल एलिमेंट ऑफ द सेट्स. यदि आप दो सेट का ले रहे हैं यूनियन तो उन दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आप एक सेट के अंदर कंबाइन करके लिख देंगे. ठीक है? सो यूनियन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स. यदि आप दो सेट लेके चल रहे हैं तो उन दोनों सेट के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ. यदि आप 3 सेट लेके चल रहे हैं तो 3 सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट उन सबको आप कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख देंगे. क्लियर? सो ध्यान रखें कि यूनियन का मतलब होता है एक तरह से एडिशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट्स. क्लियर? अब मान लीजिए आपके पास में एक सेट ए है जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर है, एक सेट आपके पास में बी है जिसमें ओड नेचुरल नंबर हैं. और जब आप इन दोनों सेट ए और बी करेंगे यूनियन तो इसमें ओड और इवन नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे. इट मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. क्लियर? सो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो यूनियन है वो रेफर्स करता है बेसिकली एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट्स बट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड. मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हैं, वो उधर भी हैं इधर सेट बी में भी हैं. तो जब आप लिखेंगे ए यूनियन बी तो आप उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे जो दोनों सेट में रिपीट हो रहे हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप नहीं लिखेंगे. चलिए अनदर कॉन्सेप्ट इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट. मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों सेट में 7, 8 और 9 ये 3 एलिमेंट कॉमन हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं. तो यही कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट के पास ईजिली अवेलेबल हैं यही दोनों आ जाएंगे फिर इंटरसेक्शन में. तो हमें लिखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आप वहाँ पे लिख देंगे. ठीक है? इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं. एक्सरसाइज 1.4 में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये सब कुछ ही बताया गया है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जरा बोल सुन लीजिए. कॉम्प्लीमेंट में मान लीजिए एक सेट ए है, पहली तो बात यह है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से
वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बिना आप किसी सेट का कम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, ये बात आप याद रखें, ठीक है। मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर है, एक सेट बी है जिसके अंदर ओड नेचुरल नंबर है, और एक सेट हमारे पास में है यू यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सभी नेचुरल नंबर हैं। तो जब आप एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो एक एलिमेंट है मींस इवन नेचुरल नंबर वो आप छोड़ देंगे, और वहाँ से आप जो ओड नेचुरल नंबर है वो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए को स्किप कर दीजिए, जो एक एलिमेंट है, तो बाकी जो बचेंगे उनको आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है एडिशन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेसिकली कॉमन एलिमेंट को ढूंढना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का आप निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट उस सेट को माइनस कर देना, जिस सेट को निकाल रहे हैं उस सेट को माइनस कर देना यू में से, उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं यू माइनस ए, यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे तो बाकी जो बचा है वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखिए आप फटाफट 1.4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, x x में 1, 3, 5 है, y में 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 तो कॉमन ही है x और y में, तो जब आप निकालेंगे x यूनियन y उसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 5, क्लियर। x यूनियन वाई में जो एलिमेंट आएंगे वो आ जाएंगे 1, 2, 3, 5। चलिए उसके बाद में सेकंड देखिए, सेकंड में जो कैपिटल ए है उसमें तो लिखा है ए ई आई ओ यू, मींस कैपिटल ए में तो सारे के सारे वोवेल्स हैं। उसके बाद आगे देखिए कैपिटल बी, कैपिटल बी में लिखा है ए बी सी, अब ए और बी दोनों में केवल स्मॉल ए कॉमन है, क्योंकि ए अपने आप में वोवेल्स भी है और ए अपने आप में कॉन्सोनेंट में भी रहता है। तो यदि आप ए और बी का लेंगे यूनियन तो इसमें आ जाएगा फिर ए ई आई ओ यू, और साथ ही साथ आएगा बी कॉमा सी, ठीक है। ए दो बार से नहीं आएगा क्योंकि ए में भी है और बी में भी है, लेकिन वो जब हम लेंगे यूनियन ए यूनियन बी तो वो आएगा एक ही बार। चलिए थर्ड पे आइए, थर्ड में कह रहे हैं कि एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट इट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। तो इससे हम सेट को बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर पाएंगे। सो ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। वो कह रहे हैं कि एक्स अपने आप में एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो 3 का जो मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब होता है बेसिकली टेबल, को मैंने बताया भी था, एक होता है फैक्टर एक होता है मल्टीपल। यदि आपसे पूछते हैं 4 के फैक्टर तो आप लिखेंगे 1, 2, 4, और पूछते हैं 4 के मल्टीपल मीन्स वो बात कर रहे हैं आपसे टेबल की, तो आप लिख देंगे 4 का कंप्लीट टेबल कि 4 into 1, 4, 4 into 2, 8, 4 into 3, 12, इस तरह से। सो 4 के जो मल्टीपल है वो हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से हो जाएंगे 3 के मल्टीपल हो जाएंगे फिर 3, 9, 3, 6, 9,
कॉमा 12 एंड सो ऑन। उसके बाद नीचे लिखा है कैपिटल बी, कैपिटल बी में आएगा वो नेचुरल नंबर जो अपने आप में 6 से कम है। अब 6 से जो कम है नेचुरल नंबर वो हमारे पास में है 1, 2, 3, 4, 5। सो कुल मिला करके ये वो 5 नेचुरल नंबर हैं जो 6 से लेस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये भाई सेट ए और सेट बी, ए जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं 3 के मल्टीपल हैं, बी जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 से कम हैं, और इन दोनों का लेना है हमें यूनियन। मेन समय निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो सोचिए ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जरा सोचिए ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखिए ए में तो है 3, 6, 9, 12 और यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 से लेके 5 तक तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में 3 ऑलरेडी आ चुका है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, सॉरी 6 नहीं आया, 6 आ जाएगा। उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद में 12 आएगा, 15 आएगा, ऐसे आ जाएंगे यूनियन में। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 1 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि एक्स अपने आप में 1 से ग्रेटर देन है। तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद बी दिया है, बी में कह रहे हैं कि भाई अपने आप में नेचुरल नंबर है और किस तरह से है कि 6 और 10 के बीच में है। 6 नहीं है, 10 नहीं है, बट दोनों के बीच में आने वाले सभी नेचुरल नंबर हैं। तो इसको हम लिख देंगे 7, 8, 9 और फिर हम लेंगे ए यूनियन बी। तो जो हम लेंगे ए यूनियन बी, इसमें आप सारे के सारे जो नंबर है उनको ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से यहाँ ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में, आप सॉल्यूशन 1 एक्स यूनियन वाई हो गया 1, 2, 3, 5। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ए बी सी ई आई ओ यू, मीन्स इसमें हो गए वो पहले लिख दिए गए वोवेल्स ए ई आई ओ यू और बाद में जो अदर सेट था बी उसमें जो एलिमेंट थे वो लिख दिए गए। थर्ड में देखिए, थर्ड में कह रहे हैं कि भाई पहले ए बना दिया, ए में आ गए 3, 6, 9, फिर बी बना दिया, बी में आ गए 1 से लेकर 6 तक, और जब निकाला यूनियन तो वहाँ पे आ गए 1, 2, 4, 5, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में जो सेट ए है, सेट ए में आ गए 2 से लेकर 6 तक कि 2, 3, 4, 5, 6। जो सेट बी है, बी में आ गए 7, 8 और 9। तो जब निकाला ए और बी का हमने इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, तो इन सब एलिमेंट को आप एक साथ लिख देंगे। उसके बाद आगे देखिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में ए अपने आप में है 1, 2, 3, बी अपने आप में है 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, यहाँ पे कुछ, जहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसके बाद में ए यूनियन बी, जब इन दोनों का लेंगे हम यूनियन
तो आ जाएगा 1, 2, 3। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर टू। सेट ए दिया है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं ए बी, एक सेट बी दिया है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी। फिर कह रहे हैं कि क्या ए बी का सबसेट है? यस, ए अपने आप में बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी सी हैं। सो क्लियरली यहाँ पे जो ए है वो बी का सबसेट है। उसके बाद जानना चाह रहे हैं कि ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा। जब ए और बी में निकालेंगे आप यूनियन तो वो आ जाएगा स्मॉल ए कोमा बी कोमा सी। सॉल्यूशन थ्री, क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसमें कह रहे हैं कि भाई एक सेट ए है एक सेट बी है, ए बी का सबसेट है और इस तरह से है कि जब ए और बी में लेते हैं यूनियन तो बी मिलता है। ए और बी अपने आप में दो सब, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि भाई ए और बी अपने आप में दो सेट इस तरह से है कि ए बी का सबसेट है, तो बताओ फिर ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो भाई जब ए बी का सबसेट है मतलब ए सेट बी में से ही बना है और जब लेंगे इनका यूनियन तो जाहिर सी बात है बी सेट अपने आप में सबसे बड़ा सेट होगा, तो ए यूनियन बी अपने आप में बी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, सेट बी दिया है 3, 4, 5, 6 और उसके बाद में सेट सी दिया है 5, 6, 7, 8। सेट जब मैं यहाँ पर डी दिया है उसे पूछा गया है कि भाई आप बताइए ए और बी का क्या होगा यूनियन, उसके बाद ए और सी में क्या होगा यूनियन, बी और सी में क्या होगा यूनियन, सी और बी और डी में क्या होगा यूनियन। तो बेसिकली आपको ध्यान यहाँ पे केवल एक बात ये रखनी है कि यूनियन का मतलब होता है सेट के एलिमेंट को ऐड करके लिख देना विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन सेट में नहीं होता है, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है दोबारा नहीं आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें और गलती होने से बचें। तो यहाँ पे आपको सेट ए बी सी और डी दिए गए हैं, ठीक है, तो चारों ही सेट कभी आपस में किए गए हैं माइनस, कभी आपस में किए गए हैं प्लस, कभी निकाला गया यूनियन इस तरह से। तो मैं बता भी चुका हूँ आपको, यूनियन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उन सबको ऐड कर देना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर आप कर लेंगे। जो नीचे के तीन पार्ट दिए हैं उन तीनों पार्ट में आ गए फिर तीन सेट। फिफ्थ में आ गया ए बी सी, सिक्स्थ में आ गया ए बी और डी, सेवन्थ में आ गया बी सी और डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट को ढूंढना और लिखना। सपोज दो सेट ए और बी हैं, दोनों में कॉमन है तो वो आ जाएगा फिर उनके इंटरसेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर फाइव ऐसे ही है, आप देख सकते हैं एक्स में और वाई में कॉमन क्या है फिलहाल, केवल 1 और 3, तो ये आ जाएगा इनके इंटरसेक्शन में। पार्ट सेकंड में ए और बी में केवल कैपिटल ए ही कॉमन है तो ये आ जाएगा इनके इंटरसेक्शन में। थर्ड पार्ट में ए दिया है बी दिया है, ए में अपने आप में नेचुरल नंबर हैं 3 के मल्टीपल हैं, बी दिया है तो इस तरह से आप इसे करेंगे।